Hey guys, welcome back to another video. I hope you are doing great. तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को चाइल्ड फिल्टर एडिटिंग सिखलाने वाला हूँ, जो आजकल रील्स पर ट्रेंडिंग पर है ये इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल आते रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, वो है फेस ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अगर आप वाटरमार्क फ्री चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे वहां फॉलो भी कर लें। ओके, तो इसके बाद काइन मास्टर को हम लोग यूज़ करेंगे आज के ट्यूटोरियल में। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर आना है और 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। एंड उसके बाद आप अपने वीडियो को ड्रैग कर लें। यहाँ पास थोड़ा पैन एंड जूम करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। परफेक्ट। एंड उसके बाद मीडिया पर जाकर चाइल्ड फिल्टर इफेक्ट वाला जो साउंड है उसको हम लोग यहाँ पास ड्रैग करेंगे और इस वीडियो में से म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद वीडियो को डिलीट कर देना है। एक बार आप अच्छे से सुन लें वीडियो को, कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, इफ़ेक्ट ऐड करना। ओके, तो यहाँ पास से इफ़ेक्ट को ऐड करना है, तो रेड वाले पर क्लिक करके मार्कर ऐड कर लें आप, ज़्यादा आसानी होगी। ट्रिम पर आकर इसको राइट साइड का ट्रिम कर देना है और कैप्चर एंड सेव कर लें इसको। फेस ऐप को ओपन कर लेना है और उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो स्क्रीनशॉट हम लोगों ने शुरू में लिया था। सिलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रॉल करना है थोड़ा, यहाँ पास आ जाना है एज वाले पर और इस पर क्लिक करके चाइल्ड वाले फिल्टर को अप्लाई कर दें। ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसको सिंपली सेव कर लेना है। उसके बाद फिर से गैलरी में आकर जिस पर चाइल्ड वाला इफेक्ट ऐड किया था उस फोटो को फिर से ऐड कर लेना है, फिर से उस इफेक्ट को ऐड करना है। इसी तरह से आप 4 से 5 टाइम्स कर लें। ओके, तो यहाँ पास फिल्टर ऐड हो चुका है सारे इमेज पर। फिर से काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, जहाँ से हम लोगों ने ट्रिम किया था वहाँ से मीडिया पर जाकर जो स्क्रीनशॉट लिया उसको ड्रैग कर देना है और जहाँ जहाँ पास इसकी बीट है वहाँ से आप इसको कट लगाकर इमेज को ऐड करते जाएं। ओके, तो यहाँ पास सारे इमेज ऐड हो चुके हैं, तो अब इसको फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर ले। इस तरह से आप चाइल्ड फिल्टर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से, और अगर इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।